ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸਨ 1928 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਸਨ 1928 ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸੇ ਮੌਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ अच्छा उस तो बाद फिर अपने चाचे अहमद हसन साहब को पढ़ लिया फिर कुछ उन्होंने को किताब फिर पेटी ने हाफिज साहब आया हाफिज फिर मोहम्मद साहब कुछ दिन तकरीबन पाँच छः महीने या साल उन्होंने को पढ़ाए फिर एक साल दरिए पढ़ाए फिर दौर करने वास्ते जहांगीरें चला गए अच्छा जहांगीरें कार साल या डेढ़ साल है अच्छा उस तो बाद किताबा शुरू की चान तो किताबा भी अपने चाचा से मरहूम को शुरू की चान फिर वो हाज से चले गए चाचा जी नाथ किया अहमद हसन साहब अहमद हसन साहब को वो हाज से गए फिर तीन चार महीने में आए तो मेरे भाई बोल रहे सफा हसन कंपर मौलाना अपने रशीद अहमद साहब से वालद को पढ़ रहे उतो फिर आ गए तो दूसरे साल फिर मैं पिंडी दाखिल हो गया रोल पिंडी तालीमुल कुरान भी अच्छा तो एक साल उठे पढ़ा है फिर उतो मौलाना अब्दुल हजी साहब साढ़े उस्ताद है उन्होंने अपने किराए किराए अपने किराए ने कहा वो साल मतलब पढ़ा रहे ते दो साल तो पहले एक नाराज होकर चले गए तो दो महीने मौलाना अब्दुल दयान साहब जुलाक साहब निवाले थे मतलब एक बार पढ़ने वाले ग्राएं जो है नहीं कि जड़े मौलाना दो लाख साहब दमाने वाले हाँ दमाने वाले पर निवाल से मौलाना अब्दुल दयान साहब दो महीने तकरीबन बस उनको भी नहीं पढ़ने उस तो बाद फिर हजरत ने मदरसे दाखिल हो गए तकरीबन तीन साल तक हजरत ने मदरसे पढ़ रही हजरत केड़ा मदरसा है हजरत मियाँ खुदाबा हुसैन ने मस्जिद जी का मदरसा है मदरसा नाम और याद नहीं नहीं तो कौन उस्ताद कौन है मौलाना पहले एक साल पढ़ाने रहे मौलाना और करीमुल्ला साहब दामान वाले तो फिर दो साल सू उस पढ़ाने दो के तीन साल से पढ़ाए मौलाना अब्दुल कदीर साहब मोमिनपुर वाले फिर मैं चला गया गुरगुश्ती मौलाना शेख लतीफ हजरत मौलाना नसीर दीन अहमद वाले नाल कोल मतलब पढ़ने वास्ते दोहरा हदीस वो दो साल ही तो दोहरा हदीस पढ़ाने अजकल जिस तो मौकूफ आले आखा जाना है उस छोटा दौरा कहने मिशकात जला लैन हिदायत वगैरह तो दूसरे साल वो पढ़ाने बुखारी तिरमिज़ी अबू दाऊद ये पूरी पढ़ाने बाकी किताबों थोड़ी थोड़ी मतलब पढ़ाने दो साल उन्होंने को पढ़ाए ते उस तो मतलब सनद पढ़ाए तो हासिल की थी है इकड़ा साल याद नहीं कोई साल एक भी जाए अच्छा अच्छा फिर एक साल फिर दोबारा अपना मौलाना अब्दुल करीम साहब को एक किताबें जारी रही है दो हजीज बाद पढ़ी है उस तो बाद फिर मतलब अपने किराए ने कहा तलबा वगैरह पढ़ाने रहे फिर लाहौर आ गए लाहौर मेरे हो गए लाहौर कैसे साल आए उसी सन 1956 दसंबर के महीने अच्छा फिर दरमियान मतलब 31-71 ग्रह चल गए नहीं पहले पहले तुम जरा दसो ना लाहौर जब आया तो कैसी मस्जिद जाए उसी पहले सब तो पहले मैं मस्जिद पीर शिराजी लोहारी चौक बत्ती अंदर मस्जिद है ऊंचा पीर शिराजी मस्जिद पीर शिराजी उतने फिर मतलब देवबंदी बरेली ने इख्तलाफ आ गया साढ़े तीन साल में उतरे तो फिर पाँच छः महीने पहले हैं फिर वो अपना डॉक्टर साहब ने वाले जी मस्जिद है ना तक ये सरदार शाह तकरीबन चार साल से उस फिर ये मस्जिद मिल गई जिसमें आखिर है गवर्नमेंट वाली भगवान बाजार ये चूँकि करीब आई
ते मैं इत्थे आ गया तो उसे बोल अपनी जगह बोलना शाह अब्दुल खान साहब छोड़ा है उस रह गए तो मैं इत्थे आ गया। फिर गिरा चले गए 71 तो 2.5 साल 2 साल तो 7 महीने रहे। फिर अब हाजी मुस्तफा सुन मरहूम उन्होंने मतलब दाखिल हो गया इस मदीना यूनिवर्सिटी दाखिल मिल गए ने तो वहाँ आखन लगे कि मेरी जगह तुम आ जाओ। तो मैं आखिया नहीं मैं तो नहीं जाना मैं हम को कारोबार करना है। तो अब्दुल सलाम आप भेजते रहे तो वो आखन लगे अब्दुल सलाम जरा कि वो इतने आया तो साल के 6 महीने बाद किसी के हवाले कर दी बस इस जगह सारी छोड़ने जोगी थी तुम आप आओ। फिर 73 अगस्त महीने फिर मैं लाहौर आ गया हूँ तक लाहौर च अच्छा लाहौर तो जो मदरसा है जामे हनफिया सिराजुल उलूम ये किस बनाया किस टाइम कीते ये सर ये बनाया समझो ये लगे क्योंकि उस राजी से बैठे हो रहे हैं सर उन्होंने इसे एकाठ ही बनाया सर 1961 से पहले मतलब हाजी साहब वालों मुझे खुद पढ़ा ले से एक डाल अब्दुल नाम सो अब्दुल पठान तालबे हुआ कि ना अब्दुल बाकी वो बच्चे उपरा लिया। उस तो बाद फिर मौलवी शहबाज खान साहब आ गए वो भी नाल पढ़ा ले हाजी साहब नाल फिर मतलब उन चले गए मदीने यूनिवर्सिटी तो फिर मैं मौलवी शहबाज खान साहब फिर मौलवी शहबाज खान साहब मतलब बखे वो सन 83 इंग्लैंड चले गए। तो फिर मैं मौली आलम शाह से बड़ा के लिए वो पढ़ाने वो चल गए फिर और मुख्तलिफ तालब इलम कोई कोई तालब इलम ने ना याद हो जड़े को बाद चो कोई जिन्हें मुख्तलिफ जगह काम किया है कितने के तालब इलम अंदाजा थोड़ा जिन्हें इतों पढ़ा है मदरसे चो कितने के तालब इलम उस जिन्हें इतों पढ़ के गए मदरसे चो और तालब इलम طالب علم مطلب نام بلے پر نہیں تعداد کوئی تعداد اگر تعداد اس لیے مطلب شروع شروع تو ہڑی تھوڑے ہوئے شروع شروع سے 8-10 طالب علم ہونے جڑے باہر مطلب رہنے تے پڑھنے ہوتے ہیں تے انہاں میں مطلب 50 روپے مہینے دینے ہیں وظیفہ تے 50 روپے مہینہ تو شروع شروع کیتا ہے ते उस तो बाद से लंगर जो शहरी की शुरू किया है तो उस वेले मतलब हेफज के तालब इलम फाज उन जमाने काफ़ी होंगे हेफज के तालब इलम बहुत होंगे तो दूसरे भी 8-10 बंद तालब इलम होंगे किताबा हूँ इस वक्त कितने तालब इलम हूँ हाँ इस वक्त कितने तालब इलम हूँ इस वक्त तो तकरीबन मेरे ख्याल है कि ट्रेन है करीबन किताबों वाले दर्श निजामी वाले बाहर कोई नहीं ठीक। अच्छा ये दसो कि तुसी केड़ी केड़ी किताबों पढ़ाने जाओ इतने मैं पढ़ाना मैं मतलब एक दूरी पढ़ाई है शर्मगाह पढ़ाया हिदायत पढ़ाया तो मिशकात शरीफ भी पढ़ाई है तर्जुमा भी पढ़ाने तो इस मस्जिद दर्श कुरान भी तुम्हें देता है दर्स कुरान भी देता है मस्जिद इतना दर्स कुरान तो मैं तो सर जिस जमाने से पढ़ कर रहे हैं फिर हाजी साहब मतलब दे तो कुरान भी दर्स दे रहे फिर ये 7-8 साल जब तो बीमार है दर्स रह रहा है मतलब फजर नमाज के बाद दर्स बाकी हो गया। अच्छा अपने कुछ संगी ना दसो जो लाहौर तुहाडे नाल शुरू तो आया तुहाडे दोस्त बने तुहाडा अच्छा टाइम गुजरा उन्होंने मौलवी मतलब कारी फजल रहमान साहब है मौलाना अब्दुल लाख साहब है बोले वफरान साहब है बोले इसहाक साहब से दूसरा हाफिज मोहम्मद गुल साहब से कारी नज़ीर साहब और मतलब और मियाँ गुल वगैरह भी है उन्होंने वो सारे को दोस्त हैं दर्जे जी है सड़े दर्जे है। अच्छा तुसी जड़े उत्थे आयो अपना एक बारी तुसी खत्म नबूत दी तहरीक भी शामिल होयो हां शामिल एक मैंने
पौने 2 महीने क्या चीज करी नहीं साल कड़ा है वो साल एक पेज आएगा 53 53 हाँ 53 तो कैडी जेल गए हो अटक अच्छा अटक जेल गए अच्छा तो के उस रा उसने कोई गाल सुनाओ ना कोई तो जेल नहीं कोई गाल सुनाओ जेल नहीं है ना कि उस वक्त तो मतलब है ये साली वो लवाज है छाज दिन ना उन्हें ये कितिया के मतलब हजरों का चौगल ने कसाई नहीं बसी में शुगर है कुछ रोज तक वगैरह होने हैं इस तरह करने के काफले बैठे हैं 50 आदमी ना 100 आदमी ना तो मैं भी जो गया ना मेरे 50 आदमी आया 50 आदमी मैं सवार है तो इस तरह करने के थोड़ा थोड़े पहले चलो ना तो रात मतलब बहादुर खान को गिरफ्तार कर लिया उन्हें या वो असा मतलब हटिया तो टप के थे अदरक भी किया भी लिखे सर कैमर को वेब नहीं ना उसे वाइफ को कसा जाए उस कसे निकाल था पकड़े पकड़े फिर कहीं गया डी सी वाले वो फिर सवाल कर रहे कि अकलीत करा दे दो तो फिर दूजे किन गए जेल कार मतलब दो आदमी कमरे चले अरे कमरे है बकायदा तो हाँ बाकी ये कमरे हैं मंजिया यहीं होती या जमीन जमीन दे तो उठे की करना है वो 2.5 महीने जरा 2.5 महीने गुजारे ने ओ मतलब के ऐसा साब है ऐसा तो कुछ भी नहीं है बस संडे को लोग मतलब के काम करने आज देने की है सुबह छोले दोपहर रोटी शामी रोटी सुखी माड़ी है दाल तो मतलब पटे से पेट नहीं होती रोटी काम शाम कराने कोई तो काम वो कराने कोई पक्षा बनाने कोई फूलिया बनाने कोई कूचे ये नहीं होना चारू असि चारू बनाने खराब कर दे बना ले सही कोई भी नहीं है टाइम पास करने सख्ती कोई नहीं है सख्ती कोई नहीं करने सख्ती इन ज्यादा जो लाहौर हो ये ते मेरे ख्याल इज्जत चीज कोई शरारत कर रहे हैं ना कैदी उन हमारा कुटा है ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਟ ਹੋਸਨ ਨਾ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਸਨ ਨਾ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਵੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਕਾਫਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛੇ ਰਹਿਲ ਜ਼ੋ ਬੋਲ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕੋ ਤੇ ਅਬ ਤੇ ਮਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਇਤਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਮ ਦੋ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਫਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਰ ਜਦ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਾ ਉਹ ਸਭ ਬਸਾਲਾ ਕੋ ਜਿਆ ਕਿ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਫਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ उन मतलब सलाह सुना रहे क्या 2 महीने का 1.5 महीने अच्छा अच्छा असर 1.5 महीने सलाह सुना रहे तो 1.5 महीने क्या तो ये जो 50 बंदे तुम्हारे नाल गए ये मुख्तलिफ ग्रामन है हाँ 10 बंदे हरे ग्राए है ते कोई जो मेरे ख्याल भी वे कितने कोई काल में है
कोई जरा था सामने अंदर सामने कल उन्हें अमीदे ने यसीन ने यसीन ने पंजाब बंद मेरा रहा कोई यसीन ने है कोई कल ने है कोई साले ग्राह ने साले ग्राह ने मतलब दस टिका दिए अच्छा मेरे ना सारे एक बार साल बिल में पक्षी बोल रहा थी आने वो आया तो एक कह रहा था कि नाम है सो और चला मशहूर है ना ये राय फिर सिर दिल न पुत्र है और सफाज भी जाए चढ़ भी जाए कि ना सो और ना और बढ़िया दिमाग भी खराब हो गया ते एक आया जी आश्रम अपने की मलक आश्रम मलक आया एक असलम आया पठान जिन बस्ती के कोल का गुलाब खान उसने सारे उस प्यो ना है ते पांच साल मरले तो दूआ एक मोची आया ना दाऊदा एक दो है ग्रामा पर गया ते पांच लेने वाले ने अच्छा उन्होंने ना ही याद नहीं ना कान याद है कान नहीं याद अच्छा कोई एक या एक आधे ना लेने बस एक तो उधर काला काला ने की राना सो ये ना कि ना चाहो चाहो दे ना इन्होंने इसने जो आता बसेर ने पुत्र है वो बड़ा इस खड़पे में जाती है कमाल ऐसी हजार मैंने पे नहीं और मैंने पे नहीं ने उस जो तकरीर सुन लिया तो मेरा मुकर्र हो गया भाई फलाने का है वो राय ने उस पैदल राय ने गुजरा ने खुई को मिला तो मैं कहा और कहा बाइंस बार के बहने पर निकाल कि तू बहना नहीं है कि चल रहा नहीं जी तो चार बंदी वो किरा लाया और अच्छा तो ये थोड़े जड़े अपने सालो लीडर ना केड़े केड़े वे खास हां लीडर लीडर केड़े केड़े वेखे ने मगा ओला मा या बड़े लीडर जड़े जिन्ना मुलाकात हुई हां थोड़ी लीडर अब्दुल गफार खान ने देखा है अच्छा ते अतोला शाह साहब बुखारी ने देखा है इन अतोला शाह से वो देखा है ते दूसरा एहसान अहमद शुजाबादी हरारी है ते मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ये हरार वाले है ते एक इसामुद्दीन लाहौर में हरारी है ते दूआ जरा है कि नाम है सो गांधी दो बड़ा है नेहरू नेहरू अलग ना लगे बेकार इसे लाहौर है इसे लाहौर है मैंने पहले मुझे बोर्ड से देख ये दिन है ना ये लोग के बेकार हैं अच्छा खान अब्दुल गफार खान ने कितने बेकार हैं हाँ खान अब्दुल गफार खान ने कितने बेकार हैं तो सारे बहुत बेकार है अच्छा एक बार ये साले की राह आए जब दो एक बार पहलो मत पाकिस्तान बढ़ने को पहलो असल ग्राएं जलसा आया उन्होंने इस तकरीर की थी तो बात यह हाँ तो वो ऐसा साहब आया कि फिर जैसे पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने केस कर सकते तो कैसे को छोड़ देते लेकिन अपने सरदार नहीं बन सक रहे तो हजरत जैसे सिपड़ नहीं ना कुछ मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब उम्मीद खुदा वो खिलाफ आया उस नाल मतलब वो पहले बहुत सारे कांग्रेस है ना तो उनसे कॉल बन गया तो उन्हें पर गिरावा शुरू हो गया बात एक दिन साढ़े ग्यारह आया रात साढ़े ग्यारह की चीज
तकड़ी शिकल नहीं कर सकते, लोग पहले आ जाए परेशान। तो खाना नहीं बैठ के जाया, तो बेशुमार लोग आए, तो हुआ उन्हें आना है कि मैं कोई पीर बचाना हो जाए मेरे पे फिर जो बुझो अपना काम करो, ये लोग ताने करो ये है वो है। तो बहुत मानना कि मौलवी साहब तुम्हें मस्ते थोड़ी थोड़ी इंतजाम कर दो बात करो, वो तो मैं सब तो बस रोटी चाबी हाथ रहा है। तो हम लोग कई जगह बैठे खुदाई खिदमतगार साढ़े ग्रहण भी कोई आए हाँ साढ़े ग्रहण भी कोई खुदाई खिदमतगार आए सुरख पोश हाँ उन्होंने पार्टी ने सब तो पहले आया कि नाम है सो मोची है जिते सरदारी का करना जो है ना बैठ गए कि मोचे ने कहा है कि मोची उस ना रोशन दीन है वो कट्टर कांग्रेस ही है। तो उसने मतलब करने वो तो नहीं हो सका, इतना तरक्की नहीं कर सकते। सवा तो ये मतलब जैसे निकलो ना गली जो पुराने घर से निकल अगे लागेगा ना हकीम खान होना हकीम खान प्रधान उन्होंने ये हुजरे होंगे ना सवास है उस वक्त सवास नाल में लाए लाए और सवास बंदे बना गए जो भजी मतलब वर्दियाँ बनाई ने ते और बड़े जैसे बने ते सारे चाचे सब मरहूम उन्हें मतलब फिर अंसार मुस्लिमीन बनाई है ते बात अहरार बनाई है उन भी मतलब प्रेड कर रहा हूँ उन भी प्रेड कर रहा हूँ ते उधर जहाँ था और टनल अगे सही था ना बैठो बैठो को रही ते वो जरा वकील है ना सारे कह रहा सही है कि ना वो खासदार है और खासदार और एक पशु प्रधान आखो तीन है कि सारे आखो चप रात कौन आखो की ना खासदार बारह उन्हें सारे बड़े बदले पाकिस्तान पढ़े से पहले निकल रहे हिंदू भी होने कोई तुहाड़े उत्थे हिंदू जड़े होने तुहाड़े हिंदू हाँ हिंदू होने अमीने जड़े हिंदू होने उन्होंने की ना शाह है तुहाड़े नाल तालुक है हिंदू जड़े है ते ओ एक जड़े पीछे गली है ना मस्जिद के पीछे पाए इत्थे मतलब हिंदू दुआ दुकान है रामा रामा ते उस दे ब्रजलाल ते मोती दुकान लाई पाती गली गली वही ना थोड़े अगे वो तो उस आया उसने आया कि ना मोती हम आ रहे जो खुल गए तो इस पास से मतलब जो गली है ना मलका नहीं उठे मतलब है उस ना दीवान आया देखिए पीछे एक रहने इश रहा तो मुख्तलिफ तकरीबन दो तो दो चार ये चार घर आए ना दो दो ग्रा साढ़े महाराज जो पिले महाराज माड़ी आई मूला ना उस मूला 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 आखते वो मशोगरे ने बोलिया कि साढ़े दस जी फरमान मूले मुसलमान हो तो वो अगू की आता है बाकी मोदी साहब तो साढ़े वाग मुसलमान हो ना सकना तो दूसरे को बच चुके
ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਮਗਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਲਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਖ ਲਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਾਕਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਲਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਰਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਖਤਲ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੋਲੀ ਬੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸੀਹ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੈ ਜਵਾਨ ਦਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰੀ ਰਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਉਹਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੋਰ ਆਏ ਸ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਜਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਰ ਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਡੋਰਿਆ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਸ ਪੈਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਚੁਰਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਬਾਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਰਪਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਟਾ ਸੀ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਟੇ ਖੋਲਣਾ ਜਾਂ ਖੋਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮਾਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੂ ਗੇੜ ਲੈਂਦੀ ਤਲੇ ਦੁੱਖਦੇ ਤੋਬਾ 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 ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਦਾਮੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ
बड़े चाचा जड़े है ना थोड़े कदमी छोक आए उन्हें भी छोड़ दिता साढ़े महाराज को थोड़ा ज्यादा है जुम्मो जो पढ़ा गए हैं तकरीर करने थोड़ी ऐसी होती छोटी चाटी भी अहमद होता भी छोड़ता है तो वह तू आप सुनाने कि जिस दिन हाँ उठी मतलब जिस उन्होंने है ना तू सरदार का इतने इन्हें मुझे दुकान हो रही है उनकी दाल है तो मतलब साढ़े बजुर्ग पे हो गया बाबू जी वो उ बैठे पाए गल करना तो कोई बंदा आया तो आखिर वो पूछना बोल सब उतो तुआड़े कोई भी नहीं पड़े उन्हें आखिर इन्हें मेरी किताबों बेचने पे सौ सारे छोड़ बैठे रो पे तो वो साढ़े चाचे से बोला नहीं गया मैं भी बोल बैठे पे वो रो पे तो जिस दिन फौत हो तमाम अपने वाले दिन अस भी याद आ गए इन आख में पढ़ना साढ़े अब जी अल्लाह बख्शे वो करोड़ रुपए ने आती है उन्हें आके जा तू पढ़ ते तेरे मतलब है उस सांझे है ना तू किसी के मतलब फिक्र न कर तेरा पाल बच्चा मैं सामसा ते मेरी जड़ी कमाई उसे अद तेरा है अच्छा दूआ साढ़े वाले साहब ने किया तो क्योंकि साढ़े दादा जी जड़े है उन्हें को पंद्रहवीं तालबिलों को मतलब हदीस तफसीर बड़े बहुत बड़े आलामा है तो दूसरा उस समाज ने जिकार आम तौर पर निका तलाक ने वो लमा को फैल होंगे तो साढ़े दादा साहब जो है वो काजी भी है मतलब उन्होंने को फैस लिया तो वो मशहूर है कि दो तीन होर मोल भी है वो मशहूर है पेपर सिखा के गलत फैसले दे रहे साढ़े दादा साहब जो सही मतलब हक के फैसले दे रहे हैं तो साढ़े वालद साहब ने ये किया कि दवाने ने मोले साहब है इन्होंने अनवर शाह ना चाचा है तो उसने बुजुर्ग गुमराह हो गए तो वो अच्छा आलिम आया तो बुजुर्ग आदमी है उन्होंने रखा ने तालबिलों पढ़ा लिया अठ अठ रुपये तनख्वाह उन्होंने मुकर रही तो मतलब वो आप पढ़ के साड़ी मुसीबत फिर आबाद ना हो तो उन्होंने को तालबिलों रहने पढ़ने दो तीन साल पढ़ने रहे अच्छा बाद जो साढ़े चाचा से आ गए इन पढ़ाने लगे बाद चले गए तो बच्चे वास्ते रखे ने मुनपुर ने एक है बंदा इमाम है आप भी है बारे उस रखे बच्चा उसे त्रे त्रे रुपये उस उसी तरह आई वो बच्चे पढ़ाने उसके बड़े बच्चे पढ़ने लगे अच्छा फिर चाचा सब मरूम आ गया तो आप ही पढ़ाने लग पे तो फिर मतलब वो फौत हो गए ना तो फिर ऐसा एक साल वो बोले लौंदे से वहाँ आता उन्हें पढ़ाया साल दो आता वैसे ने बोली नूर मोहम्मद सब है बना सर क्या उन पढ़ाने तो भी चले गया बहुत अच्छी बात मतलब फिर हजर पढ़ने नहीं बात वो चार पिंडी एक साल पढ़ाए पाकिस्तान पढ़ने वाले पे रहो तो मेरा ही पिंडी है अच्छा मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो है थोड़े दादा जी उन्होंने मतलब मौलाना महमूद रसूल साहब को पढ़ा है उतो देवबंद ना हाँ उस तो पहले को पता नहीं किस को पढ़ रहे हैं नहीं वो नहीं उस तो नहीं पहले नहीं पता वो तो एक अपने इलाके में जा पार पढ़ने रहे ना अच्छा यानी मतलब मतदान भी जो होता है उन्होंने नहीं पता अच्छा मौलाना हुसैन अली साहब जो वहाँ बच रहा है उन्होंने ताल्लुक है ना उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान साहब ना मौलाना हुसैन अली साहब ना ताल्लुक है वहाँ बच रहा है मौलाना हुसैन अली साहब रहमत जड़े ने उन्होंने मुरीद भी है तो खलीफा भी है साहब वहाँ बच रहा है मौलाना अब्दुलरहमान साहब हाँ मौलाना अब्दुलरहमान साहब उन्होंने मरीज है खलीफा है पीर भाई है दोनों
इस वास्ते असं उत्थे रहने सा मेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं मेरे दोस्त है मतलब बेटा है मुराकबा भी कराना होने असं हाँ मुराकबा कराने मतलब उसी मैं तो हवा दे ना फिर वही पहले असा घर रोटी खिलाओ बात मतलब बहुत मोहब्बत कर रहे उकी आने एक कड़े दड़ाया कर हां वाने ने तो आखे ने फलाने दड़ाया कर साडे घर ओ तो बोल जो लाग के मैं गई एक बारी मैं सब तो मैं तो कला ही बने है ना तो रात आने रे हो ना और डिग्री आवा डिग्री दिन वाला पर डिग्री वाला पे से लो जो है डिग्री वाला पर डिग्री बराबर कराओ ऐसा करूं रात सुबह बहुत मराक पकड़ाने तो एक बार लाख के मैं चार हो गए तो गुरुराज साहब ने भी मतलब फोन जी दोस्त आई ना तो जिगरी ने मार पड़ी है तो उन्होंने आओ बहुत खिलने वाले मैंने अल्लाह मैं जो मराक पाने कितने चल गए बहुत पता नहीं मैं खाए रात पे ही सुबह से प्रोग्राम को किया यानी किया मेरा घर तो फिर वजन लगे वापस से ग्राम आने लगे हैं माँ ने देखो तो ये करे ना बात कह चला है फिर ना दवाने ने बोल दिया पुत्र है ना तो वो भी असाले पकड़ लिए और भाग गया बराकबा नहीं कर सके ना तो तू बात कह चला है तो डिग्री ने वाला है पोचे तो वे नागे वाले साले ना मेरा बुद्ध मंगल बुद्ध रहे ना गोश नहीं होना ना गोश जरूर खुला दे फिर बोले फिर मैं दोबारा गया बड़े खुश आए बराकबा वगैरह की जहाँ भी हो जाए एक बारी लाहौर भी आया है ना हाँ लाहौर भी आया ना एक बारी लाहौर नहीं मतलब है कि डॉक्टर का है ना डॉक्टर सब लोग में गलत है करना तो उन्हें शौक है उन्हें तड़ा जो बुजुर्गी है ना आखड़ लगे यार जो आखड़ वहाँ खड़ा वो चुनाव से मैं चिंबोली डॉक्टर साहब अबुल अब्दुल रशीद है मैंने अयूब ने जमाना है तो पिंडी ने थे पिंडी होटल लेने थे बात तो मतलब कि गिरना आना हो ना सदर से पिंड आया उठे आके मतलब पिंडी तो गलत शायद करने वैसे तो कोई जासूस आ गया नाम सी एल डी वाला वो मैं सलवार पाई तो उस रशीद से लाग पा रही थी डॉक्टर का पैर पाई वो समझा को कोई खतरनाक आदमी किसे मैंने की करना कुछ नहीं हाला बुजुर्ग का कल मैं भी आना था गया दौड़ के कपड़े हमें बुला के बता आ गया सर न चला गया बाकी से पहुँचे हाँ हजरों पहुँचे तो उस वे इन्हें खाना ने ट्रक है ना तो उन्होंने मतलब उठे अड्डा बनाया बस अड्डा भी अपना खोले तो उस अड्डे से मतलब अनवर खान के मुश्ताक एक दूर सहन सहन आया उस हजरों में मतलब शरीक आए उत्थे पहुंचे तो मुश्ताक भी नहीं तो अनवर खान भी नहीं हुसैन आया तो उस अब्दुल्ला के खिलाफ अस्पताल कंप्यूटर लगे आए उन्होंने बुला के वो आ गया अस्पताल को गए नहीं तो हाँ तो एक के नाम सो वो आज के करना है सहन और ट्रक देना है ट्रक बह के चले आ चल गए डिग्री ने मजा पहुँचे तो पता लगे कि साहब तबीयत खराब आई ने
ते ओह मियां वाली एक हकीम मशहूर है, उस हकीम को उतो बाद नमाज पढ़ के वापस, तो डॉक्टर से अजीब ही शह आई ना, मैं जलना उन्हें ही गया और फिर लाहौर होने ही चल गया। अच्छा वो खाओ तो सही ना, उसी ट्रक नहीं ट्रक था छोड़ के चले गए और टांगे दी गई तो अपने अड्डे में पहुँचे, अड्डे में पहुँचे इन्हें ही ठहरे डॉक्टर साहब, मैं बहुत जोर लावा जब दरगाह कार उल्टी भी आ छोड़े उधर हिस्सा जाए कर थे कार, ये पुराने कार आने जैसे हम इतबार ही ना हम जो डॉक्टर हम नमाज शाह दानवा होनी जो था वो खुदा ने बंदे कुछ आया देखी रात भी करने वो जोड़ता तेरे काम बड़ा जोर ना खड़ा जी हाँ गल करने करने थे अनवर खान आ गया ट्राके जे खाली पिंडी जो हाँ और दस किया ट्रके से बैठे ही गिरा तो डॉक्टर साहब आंदा मैं तां मैना तेरे नाल कि मां सुबह 7 बजे बैनी आनी रेल कार उसमें पहुँचा दो चलो पहुँचा दो। अच्छा उत्थे जरा गली है ना मोड़ इधर खुला है नाल मुंडे की दुकान है इतने पहुंचे ना तो बेशुमार लोग इस्तकबाल वाले खड़ोते हैं सारे नेहरान हो गए ना वो मिलने लोग खैर तो बात यही थी कि ना उसको खाना नहीं बैठे चलो साफ सुथरी जो नाल पट्टिया भी डॉक्टर उन्हें तरह को जो है स्वामी है पेशाब पेशाब कर रहे हैं बस वो बात तो उत्थे अब्दुल रज़ाक अल्लाह बख्शे उस रोटी खड़ी ते उत्थे मतलब सुते उठे अनवर खान अल्लाह बख्शे ड्राइवर आना जरा तू 5 बजे उठ के ते डॉक्टर को बचाई पिंडी का स्टेशन है बात मतलब 5 बजे उठा करिए। अच्छा मुड़ के आए आओ अब्दुल रशीद उन्हें तो ग्रहण कुछ रहने ही ना उसने ग्रहण बाहर कर गया आना आप जी मैं इन्हें ना तो तुम समझना जिन्हें तुम पा लिया है बादशाही उसे हाँ तो वो मतलब डॉक्टर साहब शेखवाली से नहीं मिले थोड़े पीछे लगे इतने पुलाव ने हाजी मुस्तफा वालों हो गया तो मतलब बली इब्राहिम आखिरी खैर उस बली इब्राहिम तैयार कर गए उधर गाड़ी छड़ी के चाहनी वो बूचे ने कोई आया उस कार मंगी ने तो कार में पेट्रोल शेट्रोल आदि पाया इतने आए तो नमाज साहब को पिछले डॉक्टर साहब ने कार पहुँचे तो वो तो मतलब घर नहीं रहने चाहिए ने तो खैर मतलब रोटी वोटी खाती ने माँ ने माँ वसी आपकी मैं उस तकिए सरदार शर ने वसी डॉक्टर साहब का रोटी पकाई डॉक्टर साहब ने दिल है कि रात मेरे को आने से लेकिन वो नहीं कर रहा नहीं कर रहा नहीं पसंद कर रहे तो मैं तो खड़ो अपने बच्चे माँ मैं आखिर जो डॉक्टर साहब रोटी पकाई है रोटी का था ना रोटी मैं ना खाना क्या गिलास बना के रखा रोटी खा के आ रही है
गर्मी जमाना है ते कमरे सामने बेड़ा इतने मतलब मंजे पाए ते अपना बोली करमला साहब भी आ गए ते दूसरा एक मियाँ सलीम हो गया चंगा आदमी है पर वो अपने आप बुजुर्ग ने भी वो इम्तिहान के लिए अच्छा वो ब्याह मिलने आए तो वो सवाल सब सवाल शुरू करते वो मतलब गरीब भी है तो थके थोड़ा है गर्मी है तो मौली करीमल है वो उन्होंने तरफ जवाब देने वाला आखिर नहीं मैं हजरत सवाल आखिर नहीं हूँ ना परेशान न कर छोड़ तो चला गया। दूसरे दिन सुबह हुआ तो आया दावत दे रहे हैं वो रात वाले नहीं हुआ मतलब दो रात एक गुजरा वाले को नहीं 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 कुछ सर कोर्ट ने राय थे उसमें किया है पसरूर है क्या नहीं पसरूर नहीं होते सर कोर्ट में जो ना राय जाना है दस का तो नहीं हाँ दस का भी नहीं वो थोड़ा राय है अच्छा वो मतलब है ना इतने दो राय है ना अपना पहले काफ़ी जमाने काफ़ी शमसुद्दीन साहब पिंड गया पढ़ा रहे फिर वो भी मतलब गुजरा वाले आ गए वो भी शमसुद्दीन साहब मरीज है तो उसमें पिरा बड़ा है कारी नूर मोहन साहब वो बहुत हो गया उसका पुत्र आ गया उस भी बात दोहरा दी शमसुद्दीन साहब पढ़ा मरीज है वो आ गया पर सुबह आ गया उधर उठ जाना उसने कहा ना कि नहीं अगर उसका मियाँ खुद सलीम आ गया मैं कहा उसको कि बेगम जी आई एक ज़्यादातर कैरी आई उसके लिए उस यारा उसको कैरी रहे कि अगर सब वहाँ से कर लाए तो मैं शेर अगर कर लो कि ना हम आ गए अगर नहीं मेरी गाड़ी बांधे नहीं चंगा है वो अब बस से गए खुदा ने कुछ कुछ चंद दिन गुजरे से आटे मिल मिली है वो बड़ी वो आग ला गई सड़ गई वह तो दिन ब दिन बुखार हो गया ओ कि नाम है सो ये भी गल करने हाँ तो हाँ है दो रात चले बहुत चले गए वापस बस गए अच्छा मौलाना हुसैन अली साहब ने तुसा तो नहीं वेखे मौलाना हुसैन अली साहब मैं वेखे वेखे ने और बचपन भी वेखे कितने वेखे ने वो बस ले जाए कि कहना तो असल दादा से मालूम फोट है ना असल ग्राम सुना दो दफा है एक पहली बहुत सारे मतलब चाचे शादी जाए तो एक बार बात जो है दादा से मरूफ हो तो है ना बोली तो आए रहे पंचपुरा ने वो भी उन्होंने मरीज शागिर्द है उसकी शादी जाए तो साढ़े बारह से बोली गए चाचे से बोली आंदिया ने एक रात के दो दिन जाए वाता साढ़े चाचा से मरूम जो दोरा हदीस पढ़ के आए ना तो वह दोरा तफसीर पढ़ने अब वाले वो तासीर होने तो बाद उन्होंने को पढ़ लिया तो वो चा साढ़े चाचा साहब भी गए तो मैं उस जो अली ने जाया माँ भी नाल के गया यार तू मेरे को पढ़े ना
महफूज कर दिया बाद महीने के बाद 100 महीना जी रही वहाँ बचना वहाँ बचा जी उधर छोटा है मैं वो मतलब तो तस्वीर पढ़ाने मराक भी शराक भी कराऊँ इसी ये जल्दी उस यूँ तो मुझे सूरत हो गया है ना खुई रही बड़ी मतलब बहुत सारे बंदे छिड़कन तो पानी कड़न तो मस्जिद नाल ही लंगुर खान आया मतलब तकरीबन 8-10-12-15 आदमी होने पड़े छोटे वाले और आने जाने वाले कोई खाना कैसे मिलने है खाना हाँ खाना कैसे मिलने है खाना भाई ये दाल चावल से मजेदार होनी दाल हाँ मजेदार लांगरी जल है शाह साहब ने कश्मीर ने वो भी आने बड़े वाली आदमी है वो बच्चे भी नाल पढ़ाने से लंगूर भी पकाने हैं अच्छा तुम जोड़ा ग्राम है अपना मौलाना गुलाम उल्लाह खान साहब ने ग्राम है दरिया उ भी पढ़ने रहो ना हाँ वो कड़ा जमाना है कैसे कुछ याद नहीं अपना नहीं वो तो महफूज करने हैं ना अच्छा महफूज करना महफूज करने हैं तो वो पहला मतलब पे चीज़ है उसके बारे में उसके बाद मैं इस वक्त देखो दिया ही है पहले मतलब सुबह बन जाते शामी वाले आने पैदल पेटियाँ रुपया वह दुई साल जो रात इतने रहो उतरे मेरे गया तो वो करो आटा शाटा तो कहो जो उन्होंने करो रोटी पका दिया अपने सफर करो तो वह दुई साल मैं दिल्ली चल गया उधर दौर करने खत्म ही किए उस्ताद ने ना याद ने उस्ताद ने ना याद ने दरिया के उस्ताद ने उस्ताद मतलब मोमदमीन साहब है पेंडे ने दरिए ने जो बजुर्ग है ना उन्होंने साल है अच्छा आलिम है वो भी पढ़ाने हैं फिर बाद में उन्होंने पुत्र जलाया था वो फिर बाहर आ गया आप सदीक साहब इन्हें पढ़ाने में ये बहुत मतलब कराने हैं वो तो कितना अर्सा रहा 5-7 महीने मेरे ख्याल से रिहायश भी उई थी खाना खाना कैसे मिलने उ एक थोड़ा पंजाबी दोस्त है जिस कुछ अब्दुल अजीज साहब आने मरीज है गुजरात उन्होंने पुत्र उस पुत्र भी उन्होंने जाए ले गए ते वो उठ गए फुलवा से बड़ा शायर है आना जीव जींदा रहे दाढ़ी वाले हो दाल चाल के लूड़ न पाऊंदा रही नक फड़ के डुबिए सत पारी दाड़ा दाली नजर न आता रही टुकड़े चार देवन के नाल दाल देवन मैं पानी पानी जल्दी आता जी चार चार टुकड़े देना रहता मतलब जरा आने ना मांग के वजीफा तो लो तो नहीं हो जाए सारों सारे तो बाकी जरा तो चढ़ी लस्सी हो जाए मेरा पानी चाह अपने भी नहीं पका देने क्यों क्यों अच्छा तो दाल हो मेरा पानी ओ तके दिन तबुक जमीन तो उलट गया वो कल आया है तो आज जमदा है उस मेरे
सही है ते एक दिन मेरे लड़ पे ते फिर मसीह जी माता का बाहर निकलो देख दिया वो किसी के बारे में तो मैं मतलब अंदर बैठे कुरान भी पढ़ना फिर अगे ला के ना कुरान शरीफ में मुझे कर दिया गया तो गलत काम की रही मगर वो महाना तू अगे ला के मैं उस गल लगा तो हरामी दुआ डंडा जो है मार से असर से जल्दी जल्दी मार गया तो उन्होंने आगे छुड़ा के जाने सारी मम दुमीन साहब अगर शिकायत आई तो वह खुदा साम पसे उस उस्ताद का पुत्र है वो गुरुजी साहब को पढ़ रहे हैं तो उस कोई नहीं आना कि मैं और जल्दी मार रहा है मैं भी इसे ना रहा वो वाजा तो मैं किरा गया किरा तो करा भी आखा तो तू आखे बाज पकड़ ले वो गल तो वो करो मतलब तो वाले सब अल्लाह बस दो तक दो त्रे चार बाद बस देने क्योंकि आ कह तरीके से मैं कहते मैं याद नहीं तो वो मेरे संगी है वाकफ है वो जहांगीरी पढ़ रहे हैं तो उन्हें तेरा ही मतलब जंग शुरू हुई ना तो मैं उस समय बड़ी बाजी की थी उतों मतलब बाद सुना लाने वकारी मौत में सब तो एक बजे के दो बजे निकला है एक बजे उतों मतलब अपना मार समान सब ना खड़ा ना लेफ भी ना पड़ता बेले बैठ के दादी कपड़े शपड़े भी तो ख्याल है यार उन्होंने ज्यादा तो बसी दे उठे मतलब जवाब तो चलना वाले चलो बहुत ख्याल आया यार उठे के बह गया नप ना गिर रहा चल पे अकाल बुकाल रात ही ना उस जाए अपने फरू का सोलह सतारह साल उम्र आई अल ते रात सामने नहीं ढो के उस एक बसी थी मैं आखिर जरूर उठ गया ना उठ गए सर तो उठा तो कुछ पमड़ लग पाया उस बाद बेरा बेरा सड़क पर सड़क हूँ तो पक गई उस कच्ची सड़क आई ये गोंदला है जी गोंदला चला गया गोंदला ने मतलब छुपया के अड्डे अड्डे चढ़ गया है ना बैठा रहा बैठा रहा तो काफ़ी देर बाद अजान हुई है सो बाद अच्छा अजान हो गई नमाज पढ़ी है तो बात उठे मतलब चाय से होटले से पी के आवाज आ गया तो उस वे बस अब बड़ी खास मिलनी होनी है एक बस आ गई पिंड जो पिछाव कर रहे थे आत्मा से चंगी रह जाए कितने पैसे की छः आ गई उस बाद गिरे तो मतलब पैसे पैसे चल गया मैं जीते हैं हाफिज साहब आया और वो बिना बिना है रखे ताकि मेरे वैसे अच्छा जात संगी है ना ते पूछ रहे क्या ते सारे हाजी से वाला बख्श है उस करो पता नहीं दूध देता है मेरा से वो गया तो आने उतरना क्या गया चल गया घर आके दस साल घर रोने पिटे पे गए वो समझे कि दुआ फौज भर्ती हो गया और भर्ती हो तो बहुत समझ जाए कि जंग शुरू हुई बात तो उन्होंने दरिया वाले आखा यार तबियत में यार वो आने मैं बेसाल जांगी रहे हैं तो नाल एक तल गर्म के दिया साले चल तो फिर मरूँ उत्थे पहुँचा है तो शुक्र माँ वेखे तो मैं उस पढ़ने सब बोलना याद करने है जी उत्थे बस मतलब ना पहुँचे उत्थे एक आया बोलिए अब्दुल गनी साहब के